गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में 18 सितंबर के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर ऑफ द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर ऑफ एन सिटी दिल्ली। और अब जो आम आदमी पार्टी है, अभी तक कौन थे? अरविंद केजरीवाल थे चीफ मिनिस्टर और इस पार्टी की सरकार थी, लेकिन अभी एक नए लीडर को चुना गया है, एक नए चीफ मिनिस्टर को चुना गया है। ये हैं आतिशी मार्डेना। ये पिक्चर में आप देख रहे हैं ना, न्यूज़ में आपने कई बार इनको देखा होगा। सीनियर पार्टी लीडर हैं ये। इन्हें चीफ मिनिस्टर के लिए चुना गया है क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है। आतिशी विल बी थर्ड वुमेन आफ्टर सुषमा स्वराज एंड शीला दीक्षित एंड एट्थ पर्सन टू बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। इनका टर्म कब तक रहेगा? 11 फरवरी 2025 तक इनका टर्म रहने वाला है। अब यहाँ पर एनसीटी दिल्ली के चीफ मिनिस्टर की बात कर लेते हैं, थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देख लेते हैं। तो 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991 का हुआ था, ठीक है। ये अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था जिसके जरिए आर्टिकल 239 क्लॉज AA को संविधान में जोड़ा गया था और इसमें यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली का नाम चेंज करके नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली किया गया। एनसीटी दिल्ली इज़ नॉट अ स्टेट बट अ यूनियन टेरिटरी विद अ 70 मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली। प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं चीफ मिनिस्टर को। देयर कैन बी अ मैक्सिमम ऑफ 7 मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर इन द एनसीटी दिल्ली गवर्नमेंट। पहले चीफ मिनिस्टर नई दिल्ली के कौन थे? चौधरी ब्रह्म प्रकाश थे। सुषमा स्वराज पहली फीमेल चीफ मिनिस्टर थी एनसीटी दिल्ली की। नेक्स्ट यहाँ पर अपॉइंटमेंट्स रिवाइज कर लेते हैं। अमृत मोहन प्रसाद को अपॉइंट किया गया एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल। स्वाति विजय कुलकर्णी को अपॉइंट किया गया एज एम्बेसडर टू अल्जीरिया। नेहल वोरा रीअपॉइंट हुए हैं एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ सीडीएसएल। आर रविंद्रन अपॉइंट हुए हैं इंडियाज एम्बेसडर टू आइसलैंड। राजेश वर्मा चेयरपर्सन ऑफ CAQM फॉर NCR हैं। अब्दुल मजीद टेबॉन रीइलेक्ट हुए हैं एज अल्जीरियन प्रेजिडेंट। विनय गोयल अपॉइंट हुए हैं NHM स्टेट मिशन डायरेक्टर इन केरला। चेयरमैन एंड CEO ऑफ रेलवे बोर्ड हैं सतीश कुमार। UPSC के चेयरमैन प्रीति सूदन। डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं एयर मार्शल तेजिंदर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इनॉग्रेटेड द सेकेंड एडिशन ऑफ द पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन डे प्रवासी दिवस सेलिब्रेशंस इन मलेशिया। यह हैं कीर्ति वर्धन सिंह, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स हैं कीर्ति वर्धन सिंह और ये ऑफिशियल टूर पर रहेंगे आर्मेनिया और मलेशिया के लिए। दिस वॉज द फर्स्ट ऑफिशियल विजिट यूरेशियन कंट्री में, इनकी पहली ऑफिशियल विजिट ये रहने वाली है। कीर्ति वर्धन सिंह इनॉग्रेट सेकेंड प्रवासी दिवस इन मलेशिया एंड 15th ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल ऑफ इंडियन ऑरिजिन इंटरनेशनल कन्वेंशन। दोनों कंट्रीज के नाम याद रखिएगा, आर्मेनिया और मलेशिया। और इस दिन का सेकेंड एडिशन इनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया है जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स हैं। आर्मेनिया की बात कर लेते हैं, लैंडलॉक्ड कंट्री है, यूरेशियन कंट्री है, यूरोप का पार्ट है, आर्मेनियन ऑफिशियल लैंग्वेज है, कॉन्टिनेंट कौन सा है? एशिया है, कैपिटल है येरेवन, करेंसी है ड्राम और प्राइम मिनिस्टर यहाँ के हैं निकोल पाशिनियान। मलेशिया की बात करें, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है, बोर्नियो आइलैंड का पार्ट है, ऑफिशियल लैंग्वेज है मले, कैपिटल है यहाँ की कुआलालंपुर, करेंसी है रिंगिट और प्राइम मिनिस्टर हैं अनवर इब्राहिम। हु इनॉग्रेटेड द फोर्थ ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट एंड एक्सपो री इन्वेस्ट 2024। इसको इनॉग्रेट किया है नरेंद्र मोदी ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, और जो सेशन होगा इसका वो वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ उसको एड्रेस करेंगे। री इन्वेस्ट 2024 सीक्स टू कंसोलिडेट एंड फर्दर इंडियाज पोजिशन एज अ ग्लोबल लीडर इन द नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। हु लॉन्च्ड द NPS वात्सल्य स्कीम, इसको लॉन्च किया है निर्मला सीतारमन ने। 2024-25 की जो यूनियन बजट स्पीच थी उसमें इनके द्वारा इसकी बात की गई थी। NPS वात्सल्य विल बी रेगुलेटेड बाय पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि PFRDA। नेशनल पेंशन स्कीम वात्सल्य इज फॉर माइनर्स अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज एंड हु आर रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया। ये सिस्टम की बात करें, नेशनल पेंशन सिस्टम वॉलंट्री कॉन्ट्रीब्यूटरी पोस्ट रिटायरमेंट पेंशन स्कीम है जिसे सरकार के द्वारा 1 जनवरी 2004 को लॉन्च किया गया था। इनिशियली ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए थी, लेकिन फिर सभी के लिए इसको एक्सटेंड कर दिया गया 1 मई 2009 में। नेशनल पेंशन सिस्टम ऑफर्स NPS 1 एंड NPS 2 अकाउंट्स। मिनिमम एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन इसके लिए कितना है? 1,000 रुपये है। वाइल देयर इज़ नो मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन रिक्वायरमेंट फॉर द NPS 2 अकाउंट, देयर इज़ ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी इन विड्रॉल एंड एग्जिट इन NPS 2 कम्पेयर टू NPS 1 अकाउंट। NPS इज रेगुलेटेड बाई PFRDA विद इट्स हेडक्वार्टर इन न्यू दिल्ली। चेयरमैन कौन है PFRDA के? दीपक मोहंती हैं। हु इनॉग्रेटेड द 8th इंडिया वाटर वीक 2024, इसको इनॉग्रेट किया है द्रौपदी मुर्मू ने, हमारी प्रेसिडेंट ने। बाइनियल 4-डे इवेंट है
ठीक है, भारत मंडपम नई दिल्ली में इसको ऑर्गेनाइज किया गया। जो जल शक्ति मिनिस्टर है हमारे गजेंद्र सिंह शेखावत, ये भी इसमें शामिल थे। थीम इसकी क्या है, पार्टनरशिप एंड कोऑपरेशन फॉर इंक्लूसिव वाटर डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट। हु प्रपोज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन, इसका कॉन्सेप्ट नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रपोज किया गया है, और इस ये वाला जो टर्म है नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट का, उसमें इसे इंप्लीमेंट करने की कोशिश सरकार के द्वारा है। गवर्नमेंट होप्स टू गेट सपोर्ट फ्रॉम ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, स्पेशली द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस अलाइज। इसके लिए कमेटी भी गठित की गई थी जिसके चेयरमैन थे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। इसने भी ये कंसिडर किया था कि वन नेशन वन इलेक्शन ये चीज़ होनी चाहिए, साइमल्टेनियस इलेक्शंस होने चाहिए देश के अंदर पार्लियामेंट और असेंबलीज के। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ जॉर्डन आफ्टर द पार्लियामेंट्री इलेक्शन, ये हैं जफर हसन। जॉर्डन के किंग कौन है, अब्दुल्ला सेकेंड हैं, और इनके द्वारा जो प्राइम मिनिस्टर थे पहले वो रिज़ाइन कर दिया है उन्होंने, तो उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया गया किंग के द्वारा और नए प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंट किया गया, नए प्राइम मिनिस्टर को, उनका नाम है जफर हसन। जॉर्डन की बात कर लेते हैं, अरब कंट्री है ये, जॉर्डन नदी के किनारे है, कैपिटल है अम्मान, किंग है अब्दुल्ला सेकेंड, करेंसी है जॉर्डेनियन दिनार, ऑफिशियल लैंग्वेज अरबिक, और एशिया कॉन्टिनेंट में ही मौजूद है। इन विच स्टेट डिड पीएम मोदी लॉन्च द सुभद्रा योजना, इसको ओडिशा में लॉन्च किया गया पीएम मोदी के द्वारा 17 सितंबर को। अराउंड 1 करोड़ वुमेन अक्रॉस द स्टेट विल बेनिफिट फ्रॉम द सुभद्रा स्कीम। इस स्कीम के तहत महिलाओं को 10,000 रुपये एनुअली प्रोवाइड किए जाएंगे इन टू इंस्टॉलमेंट्स। दिस फाइनेंशियल असिस्टेंस विल बी गिवन फॉर 5 ईयर्स। वेयर वॉज द 76th एमी अवार्ड सेरेमनी हेल्ड, ये सेरेमनी लॉस एंजलिस USA में हुई। इसमें सबसे ज़्यादा अवार्ड्स शोगन ने जीते हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा 14 अवार्ड्स इसने जीते हैं। एमी अवार्ड्स आर प्रेजेंटेड फॉर द अमेरिकन इंटरनेशनल टेलीविजन इंडस्ट्री, पहली बार 1949 में ये अवार्ड्स दिए गए थे। मेजर विनर्स देखें 2024 के बेस्ट ड्रामा सीरीज में शोगन ने जीता है, लीड एक्ट्रेस इन ड्रामा सीरीज अन्ना सवाई शोगन में, लीड एक्टर इन ड्रामा सीरीज ये भी इसी के लिए हिरोयुकु सनादा ने जीता है। बेस्ट लिमिटेड और एंथोलॉजी सीरीज के लिए बेबी रेंडियर ने जीता है, लीड एक्ट्रेस इन लिमिटेड और एंथोलॉजी सीरीज के लिए जॉडी फॉस्टर ने जीता है। ट्रू डिटेक्टिव नाइट कंट्री के लिए लीड एक्टर इन लिमिटेड और एंथोलॉजी सीरीज के लिए रिचार्ड गेट जीते हैं बेबी रेंडियर के लिए। व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ वंदे मेट्रो, इसका नया नाम क्या है, नमो इंडिया रैपिड रेल, इंडिया की पहली वंदे मेट्रो, इसका नाम क्या रखा गया, नमो इंडिया रैपिड रेल। पीएम मोदी ने फ्लैग ऑफ किया है इस ट्रेन को भुज और अहमदाबाद के बीच में। द ट्रेन कैन कवर द डिस्टेंस बिटवीन भुज अहमदाबाद इन 5 hours and 45 minutes। वंदे मेट्रो ट्रेन विल हैव 12 कोचेज इन विच 1150 पैसेंजर्स कैन सिट। द स्पीड ऑफ द ट्रेन हैज़ बीन कैप्ट एट 110 kilometers per hour। यहाँ नेशनल अफेयर्स रिवाइज कर लेते हैं, 20th मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल मीटिंग गोवा में हुई, कैपिटल ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर से चेंज करके श्री विजयपुरम कर दी गई है। यूनियन मिनिस्टर ने लॉन्च किया रंगीन मछली ऐप को फॉर ऑर्नामेंटल फिशरीज। आयुष मिनिस्ट्री ने स्पेशल कैंपेन 3.0 के तहत 1300 ग्रीवेंसेस को रिसॉल्व किया है। कैबिनेट ने 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस अप्रूव किया है सीनियर सिटीजन्स के लिए। 54th जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई नई दिल्ली में, महाराष्ट्र का वन विलेज वन गणपति इनिशिएटिव था। महाराष्ट्र ने लॉन्च किया ट्राइबल यूनिवर्सिटी को इन नासिक विद 80% रिजर्वेशन। योगी आदित्यनाथ ने लाइकली शॉपिंग डेस्टिनेशन को नोएडा में लॉन्च किया है। लास्ट में क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, हु इज द फर्स्ट पाकिस्तानी वुमेन टू बिकम एन इंटरनेशनल क्रिकेट अंपायर, सना मीर, सलीमा इम्तियाज, कायनात इम्तियाज, या फिर नन ऑफ दीज, इसका आंसर बताएगा कमेंट में। और इसी के साथ